या हम जो फैमिली शाह फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वजह से वो हमें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। शादी के तकरीबन 13 साल तक मेरे मियाँ जो है ज़िम्मेदारा ही करते थे, तो आमदनी का हमारा ज़रिया कम था। कुछ वो कर लेते थे काम और कुछ थोड़ी बहुत घर पे रह के मैं भी सिलाई कर देती थी पास पड़ोस के कपड़ों की। फिर बस हमारे घरेलू झगड़ों की वजह से जो है ना उनका किसी ने कत्ल कर दिया, ससुराल वालों ने भी साथ नहीं दिया, तो घर में बच्चों को लेके किस तरह से, भूख से मर जाने थे बच्चे इस तरह से, तो इस वजह से मैंने घर से बाहर कदम निकाला है। अपने मियाँ की डेथ से कुछ दिन पहले ही अपने बेटे का 6th क्लास में यहाँ पर एडमिशन करवाया था TCF स्कूल में, तो फिर मुझे, मैं आती जाती रहती थी यहाँ, तो अपने बच्चे के साथ जब मैं आती थी तो वो मेरी दोस्त यहाँ पर सिलाई सेंटर में काम करवा रही थी, तो उससे मेरा तारुफ हुआ। तो जैसे ही यहाँ पर जगह बनी तो मैम आपदा ने मुझे पैगाम भिजवा दिया था। जब मैं पहले घर से आती थी डेली सुबह आना, फिर दोपहर को यहाँ से जाना, मुझे बहुत झिझक आती थी क्योंकि मैं कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी। तकरीबन सारे रास्ते रोती हुई आती थी, रोती हुई वापस जाती थी कि क्यों हमारे ऊपर अल्लाह ने इतनी मुश्किल डाली है। फिर सब्र आ जाता है ऐसा ऐसा कि नहीं, अल्लाह ने अगर मुश्किल डाली है तो अल्लाह इस मुश्किल से निकालेंगे भी। तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दी कि अब मैं डेली ख़ुद आती भी हूँ, बल्कि और लड़कियों की वालदैन जो हैं, माएँ कहती हैं कि हमारी बच्चियों को भी तुमने ख़ुद ही अपने साथ लेके जाना है। TCF स्कूल ने जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, इसका मेन मकसद तो लड़कियों को हुनर सिखाना है कि वो हुनर सीखें यहाँ से और अपनी आमदनी का कोई ज़रिया बनाएं। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर का जो काम आता है, ऑर्डर वर्क आता है हमारे पास, TCF का स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई करते हैं हम लोग, डॉक्टर कोट आ जाते हैं या कोई और दुपट्टों पर कढ़ाई या रुमालों पर कढ़ाई का जो भी ऑर्डर आता है, वो फिर जब हमें आर्डर का काम आता है तो फिर मैं अपनी सीखी हुई लड़कियों को बताती हूँ कि जी हमारे पास आर्डर का काम आया हुआ है, आप मेरे साथ आकर काम करें, फिर हमें उसका आमदनी आती है, मुआवजा मिलता है अच्छा। तो उस मुआवजे की वजह से जो है हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हमारा आर्डर वर्क आता है उसकी जो मुझे आमदनी होती है उससे हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। जो मेरे पास से लड़कियाँ काम करती हैं आर्डर वर्क का, उनका भी माशाल्लाह से आमदनी का अच्छा ज़रिया बन जाता है और हमें बहुत अच्छा मुआवजा मिलता है। अब 3 साल के बाद मेरी पोजीशन ऐसी है कि जी मेरे घर में किचन नहीं था या 4 दीवारी भी नहीं थी, तो मैंने अब अपने घर में किचन भी बनाया है, 4 दीवारी भी करवा ली है, और अब मेरे ससुराल वाले जो हैं वो दूसरों के सामने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बताते हैं कि हाँ जी इसके पास हुनर है तो ये अपना घर अच्छा चला रही है। फ़िलहाल मेरी तवज्जो अपने बच्चों की पढ़ाई पर है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख लें, जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनको और भी बहुत से पढ़ाई के इनके अखराजात हैं या जो भी है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं इनके अखराजात पूरे कर सकूँ और अल्लाह इन्हें कामयाबी दे।